फ्रेंड आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने 10 डाउट को लिया था, आज भी मैं 10 डाउट को लूंगा। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में तुम बताना, विद इन 24 आवर मैं तुम्हारे रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट उस कॉलेज के रिगार्डिंग जान लो, वो कॉलेज वर्थ इट है या नहीं है, इसके पैर में कौन कौन सा ऑप्शन है। ऐसा कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे आके जुड़ सकते हो। कोई भी कॉलेज चूज करने में दिक्कत हो रहा है, भैया मैं VIT लू, SRM लू, मणिपाल जयपुर लू, बेंगलोर लू, मेन कैंपस लू, कोई भी तुमको डाउट आ रहा है या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो। पर्सनली कोई डाउट आ रहा है चॉइस फिलिंग करने में किसी चीज के रिगार्डिंग, तुम इसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। अब पर्सनल कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो तुमको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर दो, उससे थोड़ा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, जस्ट मैं यहां पे 10 डाउट को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट है तुम्हारा, आई एम कंफ्यूज बिटवीन SMIT एंड MIT जयपुर, विच वन टू गो फॉर CSIT। देखो मैं तो बोलूंगा कि जयपुर की तरफ जाओ, ज्यादा बेटर होगा। देखो अभी SMIT मतलब उस तरह का इन्वायरमेंट तेल सूट नहीं करेगा, वहां का प्लेसमेंट भी सही नहीं है और फी तो उतना ही लग जाता है अप्रॉक्स, तो मैं बोलूंगा जयपुर की तरफ स्विच कर जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, भैया मणिपाल सिक्किम में CS का प्रोस कॉन्स क्या है, प्लेसमेंट सही है उसका? देखो प्लेसमेंट तो ठीक ठाक है, मतलब बोल सकते हो 4.5 लाख तक का प्लेसमेंट है, बाकी उस तरह का एनवायरनमेंट तो मेटअप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये चीज देख लो तुम्हारा। बाकी हाँ उसका कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, मैं विजिट कर चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, आई गॉट 16K, कैन आई गेट IT इन जयपुर इन सेकंड और थर्ड राउंड? हाँ तुम सेकंड थर्ड राउंड मिल जाएगा तुमको, या फिर थर्ड राउंड तो कंफर्म मिल जाएगा, पर ट्राई करो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना, ज्यादा बेटर होगा। ये रैंक तो 16K है, तो मैं तो बोलूंगा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लो, आज बार लास्ट डेट जल्दी से कर लो। भैया टेल मी अबाउट द सिक्किम MIT, व्हाई नोबडी टॉक अबाउट इट? देखो इसके लिए कोई बात नहीं करता क्योंकि तो एनवायरनमेंट अजीब तरह का है, तो वहाँ पे खुद को अडेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये देख लो बस। बाकी कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है और प्लेसमेंट देखोगे तो लगभग ठीक ठाक ही है, जिसका मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब हाँ ऑन एन एवरेज सही है तुम्हारा, पर जयपुर बेटर है, बेंगलुरु भी बेटर है और मेन कैंपस तो है ही। पर देखो इसके अपार्ट तुम्हारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, अगर दिक्कत हो रहा है कोई तो मेरे से इंस्टाग्राम पैकेज जुड़ो, मैं बता दूंगा हाँ इसके पैर में कौन कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। यू आर डूइंग ग्रेट टू वर्क, ठीक है, थैंक यू, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। तुम सबका ही कमेंट देख के मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है रियली। कैन आई गेट डायरेक्ट टू 4-5 राउंड चॉइस फिलिंग एंड रजिस्टर ऑन द प्रस्पेक्टिव डेट्स लिविंग अदर राउंड? देखो यार अगर तुम्हारा रैंक अगर अच्छा है तो मैं तो बोलूंगा फर्स्ट राउंड में जाने का, खराब रैंक है पता है तुमको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलने वाला, ठीक है तुम देख लो इसके अपार्ट कौन कौन सा ऑप्शन है, अगर कुछ नहीं मिलता है अगर कहीं पे भी उसके बाद तुम यहाँ पे आ सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा फर्स्ट राउंड में आ जाओ अगर इंटरेस्ट रखते हो मणिपाल में तो। कैन आई डायरेक्ट गो फॉर 4th राउंड? हो गया ब्रो, विल आई आस्क फॉर द इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर एग्जाम और फॉर द काउंसलिंग बिकॉज द स्टेट से? देखो यहाँ पे ना होता है क्या, CBSE से रहोगे तो क्लास 12th का ही मिलेगा, अगर स्टेट बोर्ड से तुम हो तो वहाँ पे ऐसा रहता है ना, बहुत आंध्र प्रदेश का मैं बात करूँ, 11th 12th दोनों के साथ ही आता है, तो वहाँ पे एक कॉलम होता है मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हो, और ऑटोमेटिक वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब तुम मणिपाल से स्पेशली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत आ मेरे से कमेंट से बात करो, मैं ट्राई करूंगा जो बच्चे उस कौन से स्टेट से हो मेरे को ये तुम मेंशन कर दो और उस स्टेट का बच्चे मैं उससे बात करवा दूंगा। देखो इसमें स्पेशली यही है कि तुम मतलब देखो क्या कितना मार्क्स आ रहा है तुम्हारा, कितना मार्क्स तुम ऑब्टेन किए, ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, शायद तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन CS ओनली, सो इट रियली वॉन्टेड टू टेक CS विथ AIML इन जयपुर? भैया देखो मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ, बट देखो तुम्हारा अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तुम जयपुर ज्वाइन कर सकते हो, नो इशू है। और हाँ और इसके अपार्ट भी कौन कौन सा ऑप्शन है ये मेरे को शेयर करना, मैं ट्राई करूँगा कवर कर देने का, इंस्टाग्राम पे आके मेरे से जुड़ सकते हो। फिर थैंक यू फॉर योर एफर्ट एंड हार्ड वर्क, कीप इट अप। हाँ यार बिल्कुल, अगर तुम सभी का सपोर्ट रहा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। गुड आफ्टरनून सर, वेन विल द काउंसलिंग हैपन फॉर द इंटीग्रेटेड MSc इन द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर MIT? विल कॉलेज वर्क द कंप्यूटर वेदर द पार्टिसिपेट इन द बीटेक और MSc सेपरेट आफ्टर? देखो यार MSc वाला जो होता है ना, MSc कंप्यूटिंग वाला, ये 2 साल का कोर्स होता है, मेरे अकॉर्डिंग इससे अच्छा बीटेक रहेगा। और यार मैं तो सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे से इंस्टाग्राम पे एक बार इसके रिगार्डिंग बात कर लो, जो बच्चे कोर्स करा जैसे मैं उससे बता दूंगा, बट अकॉर्डिंग टू मी बीटेक ज्यादा अच्छा रहेगा आपका MSc के कंपेरिजन में, MSc कंप्यूटिंग के मतलब कंपेयर में, क्योंकि मणिपाल में इतना पैसा दे रहे हो तो ज्यादा वर्थ इट वही होगा। MSc मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग से अच्छा सर बीटेक रहेगा, अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो फिर जाने दो सर, वरना एक बार मेरा बात उससे करवा दो, मैं ट्राई करूंगा उसे मतलब एक अच्छा से सजेशन दे देने का कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में बच्चे हैं जो MSc कंप्यूटिंग वो कर रहे हैं, जस्ट मैं उससे बात करवा दूंगा। बस यहाँ पे मैंने आज 10 डाउट क्लियर कर दिया हूँ, और अगर अगला मैं ट्राई करूँगा, मैक्सिमम डाउट रहा तब मैं बनाऊंगा, अगर डाउट नहीं रहा तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ किसी भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट कॉलेज बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात कर लो, वो तुमको जस्ट एक आइडिया देगा, बस मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। अभी थोड़ा सर्च कर लो क्योंकि तुम 4 साल रहने वाले हो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तुम अभी क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। परसेंट भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब करो, फैमिली का मेंबर बन जाओ।
होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर काउंसलिंग उसलिंग में कोई दिक्कत आ रहा किसी का भी, चाहे VIT का, तुम्हारा SRM का या मणिपाल का, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिलअप कर दो। थैंक यू।